दोस्तों नमस्कार, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन में भी असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसी है। अभी रिसेंटली हरियाणा में भी असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसी आई है, लेकिन पंजाब स्टेट की जो लाइनमैन की वैकेंसी है उसमें और हरियाणा की लाइनमैन में बहुत फ़र्क है। वैसे तो दोस्तों इसमें बहुत सारी सीटें हैं और अच्छा खासा वेतन भी है, यानी पे स्केल और ग्रेड पे भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ एक लिमिट इनकी दे रखी है। तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो वैकेंसी के बारे में जो बातें हैं, तो पोस्ट और पोस्ट का नाम क्या है, कितनी सीटें हैं और पे स्केल क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ही मैं जो क्लियर आपको करने वाला हूँ वो है इनके लिए क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी तो क्वालिफ़िकेशन की है। देखो नेम ऑफ द पोस्ट तो असिस्टेंट लाइनमैन है, जो हरियाणा में भी यही था, ALM जिसको अपन कह रहे हैं असिस्टेंट लाइनमैन, और टोटल सीटें हैं। तो ये नोटिफिकेशन पहले आ चुका है व्हाट्सएप पर, लेकिन अब ऑफिशियल साइट पर भी इन्होंने डाल दिया है। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, यानी इसमें छोटा सा और मेन जो बातें हैं वो लिखी है। अभी पूरी डिटेल और एडवर्टाइजमेंट आना बाकी है, जहां आपको सब कुछ उसमें स्पष्ट और क्लियर मिल जाएगा कि क्या क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, रिजर्वेशन कैसा रहने वाला है। ये तो फुल नोटिफिकेशन आने पर ही मिलेगा, लेकिन मोस्टली जो बातें हैं वो अपन पहले भी बता सकते हैं। जैसे पंजाब में सबसे बड़ी जो कंपलसरी है वो ये है कि 10th में आपके पास जो सब्जेक्ट है वो पंजाबी होना बहुत ही कंपलसरी है, यानी 10th में अगर पंजाबी नहीं है तो फिर ये समस्या हो जाती है। जैसे अभी राजस्थान के गंगानगर मानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ तो मोस्टली 10th में बच्चों के पास थर्ड लैंग्वेज के रूप में पंजाबी ही होती है, तो यहाँ के लड़के तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट में बहुत कम होती है जो 10th में पंजाबी अपन नहीं रखते हैं, तो वो फिर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी पंजाब के कर सकते हैं। हरियाणा में मोस्टली पंजाबी होती है, और राजस्थान के मोस्टली गंगानगर और हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें 10th क्लास के बच्चों के पास पंजाबी सब्जेक्ट होता है। तो वो स्टूडेंट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उनके पास है 10th में पंजाबी, तो उनको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो एज लिमिट जो है वो 18 से 37 साल की है जनरल के लिए, बाकी सबको एज पर रिजर्वेशन छूट भी मिलेगी। जनरल वाला 37 ईयर एज तक अप्लाई कर सकता है। अच्छा खासा पे स्केल है दोस्तों, 6400 से लेकर 20200 तक का पे स्केल है, और 3400 रुपये का ग्रेड पे। ये 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, 7th का नहीं है, ध्यान रखना। ग्रेड पे 6th में था, 7th में मैट्रिक लेवल आ गया था, पे लेवल या मैट्रिक लेवल जो है ना वो है। अब देखो बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन पर। तो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन बहुत टफ है, बहुत कम स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही बता दूं दोस्तों कि जो PSPCL यानी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये हर साल अप्रेंटिसशिप करवाती है, NTC जिसको अपन बोलते हैं, NAC जिसको अपन कहते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो ये हर साल अप्रेंटिस के लिए फॉर्म जारी करते हैं। अभी रिसेंटली 24 नवंबर 2018 लास्ट डेट थी, और 700-800 सीटें भी उन्होंने वहाँ पर भी दी थी। तो ये हर साल करते हैं दोस्तों, और आपको सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अप्रेंटिस ही यहाँ पर है, यानी आपको पंजाब अगर स्टेट में नौकरी लेनी है तो देखो इन्होंने स्पष्ट लाइनें लिखी है दोस्तों, जो मैं आपको पढ़कर बताने वाला हूँ। ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड ऑफ लाइनमैन, इन द ट्रेड ऑफ लाइनमैन एंड हैव एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल और वायरमैन ट्रेड, यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली हो और इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड में किसी भी रजिस्टर्ड फैक्ट्री, कोई रजिस्टर्ड फर्म, रजिस्टर्ड कंपनी, किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट या फिर ए क्लास के कॉन्ट्रैक्टर यानी जो ठेकेदार था उसके पास एज ए इलेक्ट्रिशियन आपने काम भी किया हो। यानी यहाँ पर एक तरह से 3 क्वालिफिकेशन हो गई, ITI प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस एक्सपीरियंस, यानी आपको अप्रेंटिसशिप के बाद अनुभव की ज़रूरत भी है। और ये कितना है इन्होंने नहीं बताया, लेकिन मिनिमम 6 मंथ का तो होना ही चाहिए, यानी 6 महीने का कम से कम आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और 10th में पंजाबी। तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, हर किसी के लिए तो संभव नहीं होगा ये, लेकिन जिनके पास योग्यताएं है, क्योंकि पंजाब स्टेट में हर वर्ष अप्रेंटिसशिप होती है, तो मोस्टली लड़के करते भी है।
और अप्रेंटिसशिप में भी वही है, आईटीआई करी होगी और टेंथ में पंजाबी सब्जेक्ट आपके पास होगा और उसके बाद में आपने काम भी ऑब्वियस बात है किया ही होगा, तो ये रहता है वहाँ पर। और बता दूँ दोस्तों, अगर आपने अप्रेंटिसशिप अभी नहीं कर रखी है तो पंजाब स्टेट से आप ज़रूर कर लें। रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑनलाइन डेट इन्होंने बताई है वो 25 जुलाई से स्टार्ट होने हैं, तो फाइनल नोटिफिकेशन भी उसी में आएगा, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और इसमें मोस्टली उन्होंने प्रोबेशन पीरियड के लिए फिक्स जो बातें हैं वो बताई है कि आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। और जो वेबसाइट है, तो ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसका मैं लिंक आपको इसमें पीडीएफ में मिल जाएगा, देख लेना वहीं पर, और आप वेबसाइट पर विजिट करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड ज़रूर करें। देखो दोस्तों, पंजाब में जब भी कोई ऑर्डर निकलता है तो वो एक तो इंग्लिश में निकलता है और दूसरा पंजाबी में निकलता है। जैसे यही देखो, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है तो ये देखो ये पंजाबी भाषा में है, यानी वहाँ पर हिंदी में बहुत कम चांसेस हैं कि निकलता हो, तो यही समस्या वहाँ है। इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन रखी है वो पंजाबी कंपलसरी रखी है, यानी टेंथ में आपके पास पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, आईटीआई है, अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हर किसी के पास संभव नहीं है, फिर भी अगर कोई क्वालिफिकेशन रखता है तो ज़रूर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।